Let's do illustration of chapter partnership. X and Y are partners sharing profits in the ratio 5:3. Now new partner Z is admitted into the partnership with the share in the future profit. Calculate the new profit sharing ratio. So सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? Let total profit one मानना पड़ता है. Let total profit one. Z का शेयर कितना? जो नया पार्टनर आया उसका शेयर कितना? 1/3. ठीक है, 1/3 गिवन होता है कि 1/3 इसका शेयर है. तो बैलेंस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ये 1 है हमारे पास, हमने माना है, लेट किया है, प्रॉफिट 1 है, इसमें से Z का शेयर माइनस करेंगे तो कितना आता है? 2/3. ठीक है, X की न्यू शेयर कैसे निकालेंगे? ये जो हमारे पास ये पैसे बचे हैं 2/3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/8. ये 8 कहां से आया? 5 इसका शेयर है, प्लस करके 5+3 8 आ गया. ठीक है, ये जो पैसे थे इसमें हमने जो X की न्यू शेयर निकाला उसको मल्टीप्लाई करके, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर देना. 5 2 10 8 3 24, तो इसको कटिंग करके हमारा ये 5/12 आ गया. Y का न्यू शेयर कैसे निकालना है? Y का यहां से देखा पहले हमने, 3/8, 8 कहां से आया? 5+3, 3/8 मल्टीप्लाइड बाय ये जो पैसे हमारे बचे थे, क्योंकि ये 1 हमने मान लिया था टोटल प्रॉफिट है, उसमें से हमने ये प्रॉफिट किसको दिया? Z को, नए पार्टनर को. तो ये Y का न्यू शेयर 3/12 आ गया. दस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स वाई एंड जेड. एक्स का कितना है यहां से निकाला? 5/12. और वाई का कितना है? 3/12. और Z का कितना है? वो 1/3 ही है, जितना उसका टोटल दिया हुआ था. तो ये आ गया. नीचे हमने क्या करना है? इसका LCM निकालना है. LCM निकालेंगे, LCM 12 आ जाएगा, ऊपर रेशियो इनकी 5:3:4 आ जाएगी. ओके बेटा? यस सर.